नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे, बैरक की नई TRP लिस्ट आ चुकी है। बैरक की 14th वीक की TRP की रेटिंग की बात करेंगे, आखिर कौन से शो ने मारा है बाजी और कौन से शो को टॉप 10 के लिस्ट से बाहर किया गया है। आखिर वो कौन सा शो है जो नंबर 1 की पोजीशन पे आया है और टॉप 10 में किस किस शो ने अपनी वही पोजीशन बना के रखा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरे एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। बैरक के वीक 14 की TRP की लिस्ट में दोस्तों हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे टॉप 10 के साथ। तो इस लिस्ट में शामिल है कुंडली भाग्य टॉप 10 के आखिरी पायदान पर विद रेटिंग 0.1.6 के पोजीशन के साथ। नंबर 9th की बात करें तो ये साथिया का सीजन 2 साथ निभाना साथिया 1.7 रेटिंग पॉइंट। नंबर 8 पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा 1.7 रेटिंग पॉइंट के साथ। ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि तारक मेहता के उल्टा चश्मा ने अपने लॉयल फैन फॉलोइंग के चलते अपनी जगह टॉप 10 में बरकरार रखी है। नंबर 7 पे आता है एकता कपूर का पॉपुलर सीरियल नागिन का सीजन 6 1.7 रेटिंग पॉइंट। ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग ज़रूर है क्योंकि यहाँ पे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे नागिन का सीज़न 6 एटलीस्ट टॉप 5 में जगह बनाएगा, लेकिन दिन पे दिन इस शो की रेटिंग भी बहुत डाउन होती जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करें नंबर 6 के पोजीशन की तो जी टीवी का पॉपुलर सीरियल कुमकुम भाग्य ने 1.6 रेटिंग के साथ 6 नंबर की पोजिशन को बरकरार रखा है। इस बात आता है टॉप 5 की रेटिंग, तो नंबर 5th के पोजिशन पर है स्टार प्लस का पॉपुलर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है विद रेटिंग 0.2.1। इसके अलावा 4th नंबर पे है स्टार प्लस का पॉपुलर सीरियल इमली जो कि 2.2 रेटिंग पॉइंट के साथ। अगर बात करें पिछले सप्ताह तो टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हो गया था इमली, लेकिन ये इनके फैंस के लिए गुड न्यूज़ है कि इमली शो आ चुका है 2.2 रेटिंग के साथ 4th पोजीशन पे। थर्ड पोजीशन हासिल किया है ये है चाहते सीरियल ने 2.2 रेटिंग के साथ। काफ़ी सारे फैंस उदास थे और फैंस को ये लग रहा था कि ऑनलाइन TRP की रेटिंग और बैरक की रेटिंग एक ही है, लेकिन मैं उनको बता दूँ ऑनलाइन TRP की रेटिंग में ज़रूर टॉप 10 की लिस्ट में 9th पोजीशन पे था, लेकिन बैरक TRP की रेटिंग में ये चाहते ने अपना जादू कायम रखा हुआ है विद वॉपिंग 2.2 रेटिंग के साथ। नंबर 2nd के पोजीशन पे इस बार बहुत ही बड़ा उलटफेर हुआ है और वो है गुम है किसी के प्यार में। ये शो ने दोस्तों नंबर सेकेंड की पोजिशन हासिल कर लिया है विद वॉपिंग रेटिंग 2.4 पॉइंट। इसके अलावा अब आता है नंबर 1 की बात। अब बाकी के तो 9 शो की बात हो चुकी है, अब आप गैस कर सकते हैं कि टॉप रैंकिंग में नंबर 1 की पोजीशन पे कौन सा शो आया होगा। जल्दी जल्दी गैस कीजिए और कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। चलिए अब हम आपको बता ही देते हैं नंबर 1 की पोजीशन पे वो कौन सा शो है जिसने बैरक की TRP रेटिंग में मारा है बाजी, और कोई नहीं राजन शाही का शो अनुपमा 3.0 रेटिंग पॉइंट के साथ अनुपमा ने बाजी मार लिया है और टॉप रैंकिंग में ये शो बना हुआ है। इस सप्ताह बहुत ज़्यादा उलटफेर नहीं हुआ है, लेकिन कुछ पायदान कुछ शोज ऊपर नीचे ज़रूर हुए हैं बैरक के TRP रेटिंग में। ये था बैरक का 14th वीक का TRP रेटिंग। आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना आपके इनमें से कौन से हैं फेवरेट शो, कौन से शो को आपको लगता है कि बैरक की TRP रेटिंग में और ज़्यादा रेटिंग मिलना चाहिए था। कमेंट सेक्शन में आप अपना ओपिनियन ज़रूर बताना, और अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।